सिंदबाद जहाजी। अलिफ लैला। सिंदबाद की तीसरी यात्रा। तीसरे दिन सभी लोग सिंदबाद की तीसरी यात्रा की कहानी सुनने के लिए आए। इसमें हिंदबाद भी था। भोजन आदि ग्रहण करने के बाद सिंदबाद ने अपनी तीसरी यात्रा का वृतांत कहना शुरू किया कि अपने दोनों यात्राओं में उठाए गए कष्टों को मैं भूल गया और पुनः तीसरी बार विदेश यात्रा पर निकल पड़ा। अनेक देशों, द्वीपों और शहरों में मैंने अपना सामान बेचा और ख़रीदा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मेरा जहाज तूफान में फंसकर एक ऐसे द्वीप पर पहुंच गया जहां नरभक्षी बौने रहते थे, जहां आज का कप्तान द्वीप को देखकर घबरा गया और बोला कि अब मृत्यु सन्निकट है, क्योंकि इस द्वीप पर 2.5 फुट के बौने रहते थे जिनके शरीर पर लंबे लंबे बाल होते हैं तथा यहाँ आदमखोर राक्षस भी हैं। कुछ ही देर बाद पता नहीं कहाँ से अनगिनत बौने वहाँ आ गए। कुछ तो जहाज पर बंदरों की तरह चढ़ गए और कुछ लंगर काटकर जहाज को किनारे खींच ले गए और हम सभी को एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। वहाँ मनुष्य की हड्डियाँ, लोहे की सिंकचे और अंगीठी थी। रात होने पर एक भयावह राक्षस वहाँ आया। वो ताड़ की तरह लंबा और काला कलूटा था। हम सबको देखने के बाद जहाज के कप्तान को पकड़ा और पेट में सिंकचा घुसेड़ कर मार डाला और राग में भून कर खा गया। अब हम सभी इस संकट से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगे। तब हमने कहा कि हम सभी को मरना तो है, अतः यहाँ से भागने के लिए छोटी मोटी नाव बनाई जाए। दिन में हम लोगों ने कई नावों का निर्माण किया। वहाँ लकड़ी पटरे की बहुत याद थी। चौथे दिन जब वो आदमखोर राक्षस आया तो पहले की तरह एक आदमी को भूनकर खा गया। जब वो सोकर खर्राटे भरने लगा तब हम लोगों ने सभी सिंकचों को गर्म करके उसकी आंखों और शरीर के अन्य हिस्सों में घुसेड़ दिया। दर्द से वो चिल्लाते हुए हाथ पांव से हमें पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन हम सतर्क थे, अतः वो हमें पकड़ ही नहीं पाया और उड़कर वहाँ से हम लोग भाग गए। हम सभी नावें समुद्र में डालकर भागने के लिए वो राक्षस कई राक्षसों के साथ वहाँ आ पहुँचा और सभी बड़े बड़े पत्थर मारने लगे, जिससे सभी नावें टूट गई और इसमें सवार सभी लोग समुद्र में डूब कर मर गए। परमेश्वर की मेहरबानी से सिर्फ मेरी नाव ही बची रही। एक रात एक दिन में उसी नाव पर भूखे प्यासे में बैठा रहा और लहरों के सहारे हमारी नाव दूसरी द्वीप में पहुंच गई। मैं वहां के पेड़ों से फल खाकर अपनी भूख मिटाया और सो गया। अचानक ताड़ के पेड़ के बराबर सर्प की आवाज़ सुनकर मेरी नींद खुल गई और हड़बड़ाहट में एक पेड़ पर चढ़ गया। शाम ढलते ही वो सर्प पुनः आदमका। मैं सतर्क था और पेड़ पर फिर चढ़ गया था। तीसरे दिन मैं समझ गया था कि वो सर्प पुनः आएगा। शाम को उस पेड़ के चारों तरफ कंटीले झाड़ इकट्ठा कर फैला दिया और पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। शाम को वो सर्प वहाँ आया, लेकिन घंटों के कारण दूर से ही मुझे घूरते हुए फुफकारने लगा। सुबह जब वो सर्प वहाँ से चला गया तब मैं पेड़ के नीचे उतरा और समुद्र तट पर चला गया। तभी एक जहाज दिखाई दिया। मैंने पगड़ी को लहरा कर ऊँची आवाज़ में अपनी ओर आने का इशारा किया। मेरी खुशकिस्मती थी कि कप्तान की नज़र मुझ पर पड़ गई और वो जहाज किनारे ले आया और मुझे तत्काल चढ़ा लिया। मेरा फटा हाल देखकर पहले उसने मुझे पहनने के लिए कुछ कपड़े दिए और भोजन कराया। जब मेरी जान में जान आई तब अपनी दुख भरी आपबीती मैंने जहाज पर उपस्थित सभी लोगों को सुनाई। सभी अवाक रह गए और परमेश्वर का सभी ने आभार व्यक्त किया।
जहाज आगे की ओर चल दिया। एक दिन जहाज के कप्तान ने मुझसे कहा कि भाई तुम बगदाद के रहने वाले हो, वहां के एक व्यापारी का धन मेरे पास है, तुम ईश्वर के नेक बंदे लगते हो, मैं उस धन को बसरा में तुम्हें दे दूंगा, तुम वो धन उसके परिवार वालों को दे देना। मैंने उस व्यापारी का नाम पूछा, तब उसने उस व्यापारी का नाम सिंदबाद बताया। मैंने उसे गौर से देखा तो पहचान गया कि ये तो मेरे दूसरे सफर के जहाज का कप्तान है। तब मैंने उससे कहा कि मुझे ठीक से पहचानो, कहीं मैं ही तो वो सिंदबाद नहीं हूँ जिसको आपको तलाश है। उसने मुझे बड़े ध्यान से देखा, फिर कुछ देर बाद पहचान कर मुझे गले लगा लिया और वो धन सारा उसने मुझे दे दिया जो उसने बेचने और खरीदने से कमाया था। इसके बाद हम सिलहट द्वीप गए, जहाँ से दालचीनी, चंदन, लौंग आदि मैंने खरीदा और अनेक द्वीपों पर व्यापार किया। इस बीच हमने 50 हाथ की गोलाई के कछुए, दूध देने वाली भारी भरकम मछली, ऊँट के आकार की मछली आदि अनेक आश्चर्यजनक जंतुओं को देखा। उन्हें देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे, लेकिन ये परमेश्वर की लीला है। फिर मैं बसरा और वहाँ से बगदाद चला आया। इस बार भी हिंदबाद को 400 अशर्फी देकर कल पुनः आने का अनुरोध किया। सभी उपस्थित अवाक थे और पुनः आने का वादा करके अपने अपने घर चले गए। क्या हिंदबाद 34 दिन वापस से सिंदबाद के यहाँ आएगा? और ऐसे क्या बात है कि सिंदबाद हर कहानी सुनाने के बाद हिंदबाद को 400 अशर्फी दे देता है? और क्या क्या चाहता है सिंदबाद कि हिंदबाद उसके घर पर कहानी सुनने रोज आए? जानने के लिए सुनिए इसी कहानी का अगला भाग।